हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए क्विज क्लास 10 लेके आया हूँ, जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस है। तो आज हमारे 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो देखते देखते 10 से स्टार्ट हुआ था, 100 में पहुँच गया। तो आप लोग भी इसको सही से देखिए और आपकी इंटरनेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 एमसीक्यू। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है मैकियावेली, तीसरा ऑप्शन है एरिस्टोटल, चौथा ऑप्शन है होब्स, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कौन सा सही मेल खाता है, ठीक है। तो प्लेटो पॉलिटिक्स, मैकियावेली के रिपब्लिक, एरिस्टोटल के द प्रिंस और होब्स का लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन। तो बताइए करेक्ट आंसर, देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन सा है। हमारा होब्स, होब्स ने लेवियाथन दिया था, ठीक है। और प्लेटो ने पॉलिटिक्स नहीं लिखी थी, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक की बुक लिखी, ठीक है। और मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी। तो इसी तरीके से हमारे फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पीएच एपलबी। तो यहाँ पे है कि पीएच एपलबी की कुछ बुक दे दी है और बताना है कि इनमें से उनकी कौन सी बुक नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बिग डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और फोर्थ ऑप्शन है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको अगर इनकी बुक याद होगी तो तभी आप इसको, इस क्वेश्चन को सही से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबके सभी जितने भी थिंकर जो इम्पोर्टेंट थिंकर है उनकी बुक भी याद होनी चाहिए और उनकी ईयर भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको अगर आपको नहीं आता है तो आप, चलिए आंसर देखते हैं बी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और आपको बस इनकी बुक भी याद करनी है प्लस में ईयर भी याद करना है, और जो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में पूछने के या ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन से राइटर्स का स्कोर ज़्यादा पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है द सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, ठीक है। पहला ऑप्शन है बोथ यूटिलाइज द सेम मैनेजमेंट टेक्निक्स, सेकेंड ऑप्शन है बोथ हैव हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, थर्ड बोथ यूज द सेम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्राइटेरिया, फोर्थ ऑप्शन है बोथ मेक यूज ऑफ सर्टन कॉमन स्किल्स, फिफ्थ है बोथ मेक सिमिलर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ठीक है। तो आपको, आप इसमें इसको आप एलिमिनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा सही भी होते हैं। तो और हम अपने आंसर देखते हैं कि आंसर क्या कहते हैं, आंसर वन एंड टू एंड फोर, क्योंकि दोनों का जो टेक्निक होती है ना, मैनेजमेंट टेक्निक, वो इक्वल होती है चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, क्योंकि जो मैनेजमेंट करते हैं किस टेक्निक का, कैसे किस तकनीकी से मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको देखा जाता है। तो इस तरीके से वन तो हमारा सही है, सेकंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन तो होता ही है चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट में भी नीचे लोअर लेवल के लोग रहते हैं और हायर लेवल के रहते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी हायरार्किकल चलती रहती है, ठीक है। तो और फोर्थ हमारा ऑप्शन जो के है, तो बोथ हैव यूज ऑफ सर्टन कॉमन स्किल्स, सर्टन कॉमन स्किल्स का यूज होता है, ठीक है। और फिर तो वन टू एंड फोर इस तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की भी आप बात कर लेते हैं, बोथ यूज द सेम परफॉर्मेंस, क्या सेम परफॉर्मेंस होता है क्या, क्योंकि पब्लिक जो हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, उनके काम करने का, उनके परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया अलग होता है, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता। बट जो हमारे प्राइवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके उन पर प्रेशर होता है कि आपको इतना इतने आवर में, ठीक है, आपको इतने आवर तक काम करना है, आपको टारगेट सेट दे दिया जाता है कि इतने टारगेट आपको इतना कम्प्लीट करना है ना, तो उसकी बात होती है। और फिर हम लास्ट ऑप्शन बात करते हैं फिफ्थ, तो बोथ मेक सिमिलर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, क्या दोनों सिमिलर कंट्रीब्यूशन करते हैं,
नहीं, दोनों का सिमिलर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो हमने एक क्वेश्चन हमने किया था, तो उसमें है कि वो क्या करते हैं कि प्राइवेट की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, मतलब कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं ना, और बट जो हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता, वो क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, मतलब सिटीजन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। फोर्थ क्वेश्चन तो मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। अब यहाँ पे पब्लिक चॉइस अप्रोच की बात आएगी कि पब्लिक चॉइस अप्रोच की कौन सी विशेषताएँ नहीं हैं। तो इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म क्या बात करता था पब्लिक चॉइस अप्रोच, ठीक है, क्या ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म क्या बात करता था, ठीक है। फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन हमारा मोनोसेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ ऑप्शन है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तब इसमें आपको ध्यान रखना है कि विच नोट की बात करता है कि कौन सी विशेषताएं नहीं है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं फॉर 2, 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच था उसको विंसेंट ओस्ट्रोम ने दिया था ना, और विंसेंट ओस्ट्रोम की आपको बुक को भी ध्यान रखना है, उन्होंने कौन सी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ना उन्होंने जो बुक लिखी थी आपको उसका भी ध्यान रखना है, प्लस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी विशेषताएँ थी, किसको उन्होंने सपोर्ट किया था, किसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर वही नहीं की बात होती है ना, तो पहले तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि या तो जो है उसको आपको पता हो तो उस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो नहीं नहीं है उसको उस तरीके एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म की बात वहाँ पे की गई थी, तो पहला अब की गई थी तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो पहला तो है, तो पहला जहाँ पे उसको हटा दीजिए, मतलब थर्ड आप ओ सी आपका ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर हम इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं, द बुक एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडल डील्स विथ, ये जो एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल था, ठीक है, वो किसके साथ डील करता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक चॉइस स्कूल, थर्ड ऑप्शन है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, फोर्थ ऑप्शन है क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना। तो इसको इसमें आप फ्रैंकफर्ट स्कूल में आप फिर आप हेबरमास को ही पढ़ेंगे ना, कि उन्होंने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किस तरीके से क्रिटिकल अप्रोच को किस तरीके से बढ़ावा दिया, क्रिटिकल अप्रोच किस थ्योरी पे बेस है, क्या कहता है ना, तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ साथ में जब हम अपना क्रैश कोर्स करेंगे तो उसमें हर एक थ्योरी को हर एक सही को सही चीज़ से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, इसको आप मैच करना है कि किस थिंकर ने क्या दिया था, ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले एंड्रयू आरोट, ठीक है, बी ऑप्शन है यजकल ड्रोर, सी ऑप्शन है एफडब्ल्यू रिक्स, फोर्थ ऑप्शन है विंसेंट ओस्ट्रोम, ठीक है। तो लिस्ट सेकंड में क्या कहता है, पहला ऑप्शन है पब्लिक चॉइस अप्रोच, दूसरा ऑप्शन है इकोलॉजी अप्रोच, तीसरा ऑप्शन है क्रिटिकल अप्रोच, फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक एनालिसिस अप्रोच, और फिफ्थ है डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको इसमें से क्या सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ठीक है, तो उसको किसने दिया था, उसको किसने दिया था विंसेंट ओस्ट्रोम, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी ना, तो विंसेंट ओस्ट्रोम ने क्या दिया था, पब्लिक चॉइस अप्रोच दिया था। तो इस तरीके से डी का तो वन हो ही जाएगा, ठीक है, तब जहाँ पे हो डी वन, ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए, तो आपको एलिमिनेट हो गया, सिंपल सी बात है, फोर्थ ऑप्शन आपका देखते ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कम मिनट में आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी होगा। सेवन क्वेश्चन तो मूव करते हैं, ये भी लिस्ट वन लिस्ट टू की बात करते हैं। पहला लिस्ट में क्या कहता है, इसमें बुक है, बुक किस राइटर ने दिया था, ठीक है, द प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन द प्रॉब्लम ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम की बात करता है, ठीक है, और फोर्थ है द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने दिया था, लिस्ट सेकंड की बात करते हैं, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट डहल, दूसरा ऑप्शन है पोलम्बारा, थर्ड ऑप्शन है फ्रैंक मैरिनी, फोर्थ ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, फिफ्थ ऑप्शन है एफडब्ल्यू रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेट आप करिए और इसका आंसर देखते हैं, बी होगा 4, 5, 1, 2।
ठीक है। तो ए द प्रोवर्ब्स किसने दिया था, तो प्रोवर्ब्स की बात कौन करते हैं, हर्बर्ट साइमन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वन का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बी में द इकोलॉजी किसने दिया था, इकोलॉजी हमारे एफ डब्ल्यू रिक्स ने दिया था, ठीक है। फोर फाइव हो गया। फिर द प्रॉब्लम ऑफ साइंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम, ये किसने दिया था, ये रॉबर्ट डहल ने दिया था, ठीक है। और फिर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया था, द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे, ठीक है, पोलम्बारा ने दिया था, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई करिए, ठीक है। और एट क्वेश्चन तो मूव करते हैं, ए बी लिस्ट वन एंड लिस्ट टू की बात करते हैं। तो लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बी है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी है फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डी है एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिस्ट टू की बात करता है एम ई डी मॉक, एल डी वाइट, एपल बी और टेड और ई एन ग्लेडन, ठीक है। तो किसने क्या बात की थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, ठीक है। तो एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी थी, ठीक है। इस तरीके से जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर है सी, ठीक है। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया था, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं एपल बी, ठीक है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कौन करते हैं, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं आई वे टीट करते हैं, ठीक है। फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं एम ई डी मॉक, और आपके एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ई एन ग्लेडन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, वुड्रो विल्सन नेम इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है ओरिजिनेटर ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, फोर्थ ऑप्शन ऑथर ऑफ द आर्टिकल ऑफ आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज गैदर टू द हार्डर टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि वुड्रो विल्सन नाम किस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो वुड्रो विल्सन हमें 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन सब ने ही दिया था। टेंथ क्वेश्चन तो मूव करते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्लाइंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है पोस्ट पॉजिटिविज्म, थर्ड ऑप्शन है डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आपको एनपीए का बताना है कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा सी 1, 2, 3, 4, 5, ये क्योंकि ये क्लाइंट ओरिएंटेड की बात करता है, क्लाइंट फोकस की बात करते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करता है, ठीक है, और साथ साथ में डीब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करता है और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की बात करता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और कल से नए चैप्टर की प्रिंसिपल पर वीडियो आएगी, ठीक है। और अगर आपको और भी नीड होगी इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पर वीडियो बनाने की, तो आप कॉमेंट करिए। तो अगर आपके कॉमेंट अगर आते हैं कि नहीं इस पे और वीडियो चाहिए आपको, तो हम उस पे और वीडियो बना देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग बताइए कैसे करना है, नहीं तो हम अपना जैसे हम कर रहे हैं वैसे करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।